मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से एक और न्यू फ्रेश मॉर्निंग, आज तो फ्रेश भी नहीं बोल सकते, बहुत ठंडी मॉर्निंग है। अगर आसपास दिखाऊं तो यहाँ पे फ्रॉस्ट जम चुका है, इतनी ठंड है। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग आ चुके हैं कीथ। अब कीथ क्यों आए, क्योंकि पूरे फैमिली वाले एक्साइटेड थे इस फंक्शन के लिए और आज है मेरी एंगेजमेंट। थैंक यू सो मच, आप इससे पहले ब्लेसिंग्स दो। तो आज का जो पूरा सिनेरियो रहने वाला है उसका मुझे भी आइडिया नहीं है, कुछ तैयारियां चली है, थोड़ी सी पूजा होगी, तो जो भी कुछ होगा तो मैं इस व्लॉग में ऐड करता रहूंगा। चलो शुरू करता हूँ पहले इस व्लॉग को। आसपास कितनी अच्छी धूप लगी है और इस एरिया में थोड़ा लेट धूप लगता है और कम धूप लगता है, इस वजह से काफ़ी ठंडा है। तो मैं बता रहा था मैं आपको आगे फ्रॉस्ट दिखाऊंगा, तो ये देखिए हल्का हल्का अब हट चुका है, बस इतना रह गया, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है सारा फ्रॉस्ट है। और ये यहाँ से पार वाली वैली दिखाई देती है और एंड में अगर ध्यान दोगे तो एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़ भी नजर आता है यहाँ से। तो जैसे पिछले व्लॉग में बताया था हम लोग आए हैं कीथ। अब कीथ क्यों आए, कीथ आए मेरी एंगेजमेंट के लिए। ध्रुव की शादी के बाद जितने भी मेंबर्स थे, कोशिश की हमने कि हम यहाँ पे आए और इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सके। कुछ लोग हमारे साथ नहीं है, रुबीना के मम्मी पापा भी आए थे बट वो आज सुबह चले गए, क्योंकि रुबीना दीदी भी आए हैं तो उनके साथ भी उनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। बट थैंक यू सो मच, वो यहाँ पे भी आए, उन्होंने यहाँ पे भी अपना जो था फर्ज निभाया, वापस अपनी बेटी के पास भी चले गए। इसके आगे की जो भी प्रक्रिया है मुझे नहीं पता है बट अभी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। धीरे धीरे जो भी होता रहेगा आपको वो दिखाते रहेंगे। सब लोग हो रहे हैं रेडी, तो सोचा क्यों ना आपको यहाँ से एक व्यू दिखाया जाए। और दो लोग हो चुके हैं रेडी, वो है डॉक्टर शैलजा एंड मम्मी। ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर वेरी एक्साइटेड। हम तो सबसे पहले तैयार हो गए, बाकी पार्टी अब तैयार हो रही है। मम्मी तो बिल्कुल ऐसे खड़े गए, अभी से फोटोज हो रही है। नहीं नहीं नहीं, फोटो नहीं ले रहे, मैं पापा को देख रही थी ऊपर की आ रहे हैं नीचे की नहीं। आएंगे आएंगे, अभी फोटोज नहीं है, वीडियो है। और चाची भी रेडी हो गए। चाची गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है आपको? मॉर्निंग टू ऑल। बहुत अच्छा बेटा, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ ना, गजब। ठंड बहुत ज्यादा है ना, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत अभी भी मुझे भी इतनी ठंड लग रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ठंड है, कुछ डेकोरेशन की है अभी यहाँ इन लोगों ने, तो आप बाद में दिखाएंगे आपको। तो मेरे को भी दिखा सकते हैं, मैं भी रेडी हूँ। आउटफिट फॉर टुडे, मैंने जूते नहीं डाले क्योंकि बाद में पहनूंगा, अभी तो वैसे ही चप्पलों में घूम रहा हूँ इधर उधर। बट इट्स क्वाइट ठंडा भाई, ठंड बहुत है भाई, है ना, ठंड बहुत है। गुड आइडिया, नाइस आइडिया। अच्छा आइडिया दिया, वैसे नहीं तो इसमें बहुत ठंड लगेगी, पर हमें तो फोटो शूट भी करना पड़ेगा। फोटो शूट, हाँ चलो। मैं सुबह से सोच रहा था इस रेंज के बारे में कि ये रेंज कौन सी है, तो ये पता चला ये श्री खंड महादेव जी है यहाँ पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और जूम कर लूँ, फुल जूम। ओ हाँ जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, आपको टिप जो दिख रहा है ये श्री खंड महादेव जी का टिप है। जय श्री खंड महादेव। अभी पूजा शुरू होने वाली है तो ये मेरा आउटफिट रहने वाला है। अब इसके आगे आई डोंट नो डिस्क्राइब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट विजुअल्स वहां पे रहेंगे, आप उन विजुअल्स को देखो और इंजॉय करो। और आई थिंक आई होप आप सब समझ जाएंगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय नेहा, हाय आकृति, अब तो पूरा शादी का माहौल है।
ऐसे करते आज ही ले जाते उठा लो जी वेडिंग उठा लो अच्छा जिसने जैसे जैसे पहना नहीं है वो सोच लो चलो ये कर दो ठीक है पहले आप पहनेंगे फिर ये पहनेंगे ठीक है उल्टे थोड़ा सा टर्न हो जाए ये वाला लड्डू है ना जो खाए वो भी पछताए जो ना खाए वो भी इलाके में हो गया आप तो कई बार ही आ चुके हैं सबसे बड़ी बहू फैमिली की होगी जी डन लड़कों की शुरुआत होगी मजबूत बनना शुरू हो जाओ तो जाओ जी जाओ 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 हमें जाओ जाओ मेरा रिश्ता जाओ 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 डन वही नहीं ये सबसे मेरे को भी ले लो थोड़ा गॉड ब्लेस यू बेटा बोथ ऑफ यू और आगे अब अगली बहू है आपने चूज करनी है सारी ले ये जीवा भी सुनिए बहुत अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना मतलब मिक्स ही फीलिंग है समझ में नहीं आ रहा है नर्वसनेस तो ऑब्वियसली सबको होती है बट थोड़ा सा खुशी का माहौल मतलब इमोशनल भी है और हैप्पीनेस भी है पर मिक्स है समझ नहीं आ रहा है आप तो दूल्हा हो दूल्हा को कोई इस तरह का परेशानी तो नहीं होनी चाहिए तो माना मैंने कि लड़की को परेशानी है बस ये है कि चेंज ये आता है कि पहले ऐसे हाथ होता है फिर उसके बाद ऐसे हो जाता है अभी दिखाओ रिंग तो दिखाओ रिंग तो दिखाओ अक्षय जी हमारे राजा जी क्या बात है दिखाओ जरा रिंग आधे दूल्हे बन चुके आ जाओ आ तो पूरे भी बन ही जाएंगे कुछ तो उसका टाइम अभी भी फिक्स नहीं है हमारी
हमारी भाभी जी रिवील हो चुकी है। सस्पेंस हो चुका है। सब पूछ रहे थे कि कौन है लड़की, वो बटरफ्लाई वाली तो आकृति है, वो दूसरी है, ये नया है। अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा अभी लग गया टाइम लगता है थोड़ा। कैसा फील कर रहे हो? फीलिंग है, थोड़ा खुशी है, थोड़ा सा अभी एंगेजमेंट में तो मेरे ख्याल में खुशी होनी चाहिए। चलो तो शादी के टाइम नहीं, फिर माहौल बढ़ना शुरू हो गया। मतलब सॉर्ट ऑफ प्रेपरेशन हो गई, जाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो जो यहाँ पे एक मंदिर है इनके साथ में, उसके बारे में भी पूछेंगे कैसे रिलेटेड है, क्या है। तो अच्छा है कि इसके बाद अगर माता रानी की ब्लेसिंग्स मिल जाए, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो वही जा रहे हैं अभी, बट ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पहना ही नहीं है, है? तो धुलिया राजा कैसे हैं आप, पहले ये बताएं कैसी है आपकी फीलिंग? यार अंदर जाके तो सच में थोड़ा सा मिक्स सी फीलिंग थी, पर अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने सबसे अलग कपड़े पहने, सब आपको देख रहे हैं और आज आपका दिन है, दिन। आपको फील करवाना है, अगर खुद फील करोगे तभी दूसरों को फील होगा। ट्रू दैट। तो मजा आ रहा है, काफी अच्छा है। अभी ये इनके यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, काली माता रानी का मंदिर। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने सोचा कि आए तो आशीर्वाद भी ले लेते हैं। क्या बात है। तो आज बस अब इसके बाद फोटो शूट एंड ऑल। थोड़ा भाभी जी के बारे में बताओगे आप चुपके से? भाभी जी के बारे में नेहा, मैं नेहा प्लीज प्लीज भाभी जी डू द ऑनर्स प्लीज। ये हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली जो है कब से वेट कर रही है कि भाभी कौन है रिवील कर दो। अब फाइनली भाभी रिवील हो रही है, आप लोगों की भाभी मेरी नहीं। ये है नेहा और ये शिमला में जॉब करते हैं। अब आप पूछोगे कि आप लोगों की शादी, हमारी अरेंज मैरिज है, पर इसमें ट्विस्ट ये है कि हम दोनों ने एक दूसरे को खुद ही पसंद किया है। क्या बात है, क्या वो बात सब कुछ अरेंज ही रहा है। देखा हमने एक दूसरे को खुद से, और जो सिस्टम है वो पूरा वैसा ही चल रहा है। तो पहले घर वालों की रजामंदी ली कि आप लोगों को अगर लगता है कि ऐसे ऐसे एक लड़का है एक लड़की है, अगर ठीक लगता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या तो आज कंटिन्यू का नतीजा है, दिखाना भाभी जी आप भी दिखाना। आज वैसे बेचारे बहुत सी लड़कियों का दिल टूट गया होगा, लाखों लड़कियों का। पता नहीं कितनी लड़कियां गालियां मारेगी। ये बोलना जरूरी था। अब आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उन गालियों से। मेरे को वैसे भैया ही बोलते हैं ना। ओ भैया से सैया का बदल जाए क्या पता। चिंटू चलो फिर। अब भाई अब ये डल गई ना, अब थोड़ा सा अब थोड़ा। ध्यान ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी टूटा हुआ दिल है, पूरा दिल भी नहीं है। हाफ हार्ट हाफ का है, उसमें पूरा बना है, आधा दिल इधर को होगा ना। अच्छा इसमें देखा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। चलो आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो चलो जी चलो। कितनी बारी मांगोगे भाभी जी को? मांगना पड़ता है भाई, वो सात जन्म के फेरे भी तो होते हैं ना। ओ अच्छा, ओ अच्छा, तो अभी से मांगो तब पूरे होंगे वो सात जन्म। सही बात, सही बात। आज ये क्यों पकड़ा हुआ है? नहीं तो दांत टीथ में, इसके टीथ खराब हो जाएंगे। तो ये हमारे दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन हमारे दो कप, हमारे दो कपल नहीं, हमारा कपल चल पड़ा है वापस, वहाँ चलिए नाचने गाने की तैयारी। छोड़ा भाई छोड़ा, ये तो मैंने भी देखा, देखो ये तो मैंने भी देखा भाई, झटका लगाया मैंने यार। समझाओ कुछ यार, अभी अभी से पल्लू छोड़ दिया यार,
गया पर डन तेरी फोटोज तो ठीक है पर ये केक नेहा ने अरेंज किया है इस पे क्या लिखा है ये ना ना नहीं ना। लिखा बट वो थोड़ा नेहा अक्षय हो गया नेहा अक्षय हो गया ये क्या निकाल दो अरे क्या निकल गया दिख रहा है ये वाला तो ये वाला ये ऊपर था नीचे ऐसे हो गया नीचे गाड़ी में आया होगा ना लटक गया ये वो तो ऐसे कहावत होती है ना हाँ जी केक कटेगा सब में बटेगा वो प्रथा शुरू करते हैं टिश्यू पेपर दे दो अच्छा है केक नाइस हेलो आई एम बैक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा फील हो रहा है मुझे सभी ये पूछ रहे हैं कैसा फील हो रहा है कैसा फील हो रहा है सबको एक जैसा ही फील होता है आई थिंक जो नए हैं जिनकी अभी तक सगाई नहीं हुई या शादी नहीं हुई उनका मैं नहीं कह सकता उन्हें कैसा फील हो रहा होगा तो सब लोग अभी निकल रहे हैं हम थोड़ा सा रुक के जाएंगे और मुझे ये भी नहीं पता कि शूट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है तो जैसा भी होगा आई होप आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लोगे उसमें। सो उज्जवल हम तो थोड़ी देर में निकलेंगे धूप का आनंद लेते हुए अब जो पेरेंट्स है वो जा रहे हैं अभी शैलजा दीदी के घर तो हमने सोचा ये चले जाएंगे उनके घर हम थोड़ा सा रुक के जाएंगे। तो मनीत और चाचू कैसे लगा आपको ओवरऑल? बहुत बढ़िया मजा आया बहुत ही मजा आया लेकिन हमारे को इतना मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा। हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया थे तो मतलब शादी समझो शादी हो गई उनके नियर एंड डियर सब थे हम सब थे एक फैमिली के बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खातिरदारी लाइक फैमिली पूरी थी बिल्कुल इस एंगेजमेंट में खाना पीना कितना स्वाद बहुत स्वाद बड़े प्रोफेशनल वे से बनाया था बड़ा मजा आ गया मैं प्रेजेंटेशन से भी बहुत खुश हुआ बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा था और बाकी आपका जो इन्होंने वेलकम किया हाँ जी मतलब हमारे को इतना था नहीं हम सोच रहे जस्ट वी आर गोइंग टू
गेस्ट देयर, बट इन्होंने इतना वेलकम किया कि बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगा, और लोगों से मिले तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल एक नई जगह के लोग भी थे, लोग अब ऐसा फील हो रहा था कि ये हमारे बीच पर इक्कीस सालों से जानते हर आदमी, एक दो आदमी, बिल्कुल बड़े बहुत ही अच्छा रहा। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए, आप लोगों ने भी अपना कीमती टाइम निकाला, सब बिजी थे फिर भी आए। थैंक यू सो मच आपको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू। अब आप लोगों ने भी निकलना होगा। हाँ आप लोग जा रहे हैं शैलजा दीदी के, हम थोड़ा सा रुक के आएंगे। अच्छा आप और लोग होंगे आपके साथ? हाँ जी हाँ जी, हमारे साथ थोड़े से और लोग हैं, उनके साथ आऊंगा। ठीक है, आप फिर शिमला में मिलते हैं। तो सब लोग जाने के लिए तैयार हो? एकदम रेडी। कैसा रहा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस सगाई का? थोड़ा एक्सपीरियंस अभी रहता है सगाई का, तो मजा आया। आपको भी आया कि नहीं? हमें तो बहुत ज्यादा मजा आया, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा। हाँ जी कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मम्मी, मैं थोड़े टाइम में आता हूँ। बाय बाय शैलजा जी, बाय। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आया। Enjoyment. और मैं जो नेहा के लिए ये रोज लेके आया था वो तो दिया ही नहीं मैंने। अब मेरे को अभी याद आया एकदम कि मैं कहूँ हो यार एक चीज तो मैंने दी नहीं नेहा को। हाँ जी चाची, कैसा लगा आपको सगाई में? बहुत अच्छा जी, मजा आया। बिल्कुल मजा क्यों नहीं आया, इतना गजब प्यारा व्यू और इतना रिगार्ड दिया इन लोगों ने। खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत ही गजब था, बहुत बड़ा डिलीशियस खाना, सब कुछ अच्छा था बेटा, लोग बहुत अच्छे हैं। भूल गया गाड़ी में, थोड़ी एक्टिंग कर लो बस, बाकी कुछ नहीं। ये लेके आया था मैं, ये गाड़ी में ही था यार। ओके तो यार नेहा को मैं ये एक फ्लावर लाया था, फ्रेश रोज और ये चॉकलेट। तो इतने फास्ट हुआ सब कुछ के मौका ही नहीं मिला, ये मैं दे नहीं पाया था उस टाइम, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होने लगा, फोटोज ये फिर केक कटिंग, फिर मौका ही नहीं मिला। तो अब दे दिया जाए? हाँ अब देरी मत करो, देखना कोई और पकड़ ले। चलो जरूर नीचे बैठ के बनता है, इतना तो बनता है। चलो ये यूट्यूबर हो अब, चलो क्या बात है, शर्मा रहे भाई जी। क्या बात है। हाँ सही है, टफी को भी भाई, टफी को भी भाई। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, मैंने देखा भी नहीं है अभी तक। मैं जब इसको एडिट करूँगा तो ही मुझे सारा आइडिया लगेगा। तो आई नो ये एडिट करने के बाद आएगा वीडियो, बट बोलना इज़ इम्पॉर्टेंट, अपने दिल की बात रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देखते रहे अक्षय दिलेख ब्लॉग्स और जुड़े रहे नेक्स्ट ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू।